नमस्कार, मैं डॉक्टर चंद्रकांत लहाने, हेमाटोलॉजिस्ट, हेमाटो ऑन्कोलॉजिस्ट एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट फिजिशियन, सह्याद्री स्पेशलिटी हॉस्पिटल पुणे। आज हम जानेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट क्या होती है, प्लेटलेट के कम होने के कारण क्या रहते हैं, उसके लक्षण क्या रहते हैं और उसमें से कुछ का ट्रीटमेंट क्या रहता है। प्लेटलेट ये अपने बॉडी में खून में बहने वाली एक सेल रहती है जो कि हड्डी के अंदर का खून, जिसे हम बोन मैरो कहते हैं, वहाँ पर प्रोड्यूस होती है। जब भी हमें चोट लगती है तो हमारा खून बहता है, तो हमारे बॉडी में के प्लेटलेट और क्लॉटिंग फैक्टर्स एक साथ काम करके प्लग बनाते हैं और खून का बहाव रोक देते हैं। जब भी प्लेटलेट कम होंगे तो खून का बहाव नहीं रुकेगा। हमारे बॉडी में नॉर्मली प्लेटलेट 1.5 लाख से 4 लाख रहते हैं और जब भी 1.5 लाख से प्लेटलेट कम होंगे तो हम उसे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। जब प्लेटलेट 1.5 लाख से 1 लाख में रहेंगे तो हम उसे माइल्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहेंगे। जब प्लेटलेट 1 लाख से 50 हज़ार तक रहेंगे तो हम उसे मॉडरेट थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं और जब प्लेटलेट 50 हज़ार से कम रहेंगे तो हम उसे सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। अब हम देखेंगे प्लेटलेट कम होने के कारण क्या रहते हैं। एक, जैसे कि वायरल इन्फेक्शन और अदर इन्फेक्शन में प्लेटलेट कम होते हैं, उसमें हमें बुखार आता है और प्लेटलेट कम हो जाते हैं। जैसे ही हमारी वायरल इन्फेक्शन और अदर इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट हो जाएगी और उसका हमारे बॉडी से इन्फेक्शन निकल जाएगा तो प्लेटलेट बढ़ जाते हैं। दूसरा, जैसे कि ड्रग इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, जिसका मतलब कोई भी दवा की वजह से प्लेटलेट कम हो जाती है। तो ये कौन से भी दवा की वजह से प्लेटलेट कम हो सकते हैं, जैसे कि कीमोथेरेपी, एंटीबायोटिक्स, पेन किलर्स। तो इनमें जब भी हम दवाइयों का सेवन कम करेंगे या फिर रोक देंगे तो प्लेटलेट अपने आप से ही बढ़ जाते हैं। प्लेटलेट कम होने का अगला कारण रहता है लीवर की बीमारियाँ। प्लेटलेट हमारे जब बोन मैरो से प्रोड्यूस होते हैं तो उनके लिए हमें एक हार्मोन की ज़रूरत पड़ती है, उसे हम कहते हैं थ्रोम्बोपोएटिन। उसका प्रोडक्शन लीवर में होता है, लीवर की बीमारी की वजह से उसका प्रोडक्शन कम होता है और अल्टीमेटली बोन मैरो से प्लेटलेट का प्रोडक्शन कम होता है। और दूसरा कारण है लीवर की बीमारियों में प्लेटलेट कम होने का, स्प्लेनोमेगेली। हमारे बॉडी में एक ऑर्गन रहता है जिसे हम स्प्लीन कहते हैं और या फिर पांथरी कहते हैं। लीवर की बीमारियों में स्प्लेनोमेगेली मतलब पांथरी का साइज़ बहुत बढ़ जाता है, उसके वजह से हमारा जो खून है वो वहाँ पे जमा होता है और प्लेटलेट कम दिखाई देता है। तो इसमें WBC और हीमोग्लोबिन भी कम दिखते हैं। प्लेटलेट कम होने का चौथा कारण होता है अल्कोहल। जो लोग अल्कोहल मतलब मदिरा का अति सेवन करते हैं तो उन लोगों में भी प्लेटलेट कम रहते हैं, क्योंकि अल्कोहल प्लेटलेट को टॉक्सिक रहता है। इन लोगों में अगर अल्कोहल का सेवन हम बंद कर देंगे तो प्लेटलेट इम्प्रूव हो जाते हैं। इसके बाद आती है खून और बोन मैरो की बीमारियाँ। खून की एक कॉमन डिसीज़ है जिसे हम ITP मतलब इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं, जिसमें अपनी ही बॉडी अपने सेल्स के अगेंस्ट काम करती है और प्लेटलेट की संख्या कम करती देती है। इसमें दो प्रकार रहते हैं, जिसमें कि प्लेटलेट आपके 1.5 लाख से 30 हज़ार तक रहेंगे और आपको कुछ भी लक्षण नहीं रहेंगे, उसे हम क्रोनिक असिम्प्टोमेटिक ITP कहते हैं और उसमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं रहती है। दूसरा, जिसमें आपके प्लेटलेट 30 हज़ार से कम रहेंगे और आपको प्लेटलेट कम होने के लक्षण दिखाई देंगे, जैसे नाक से खून बहना, चमड़ी के ऊपर रेड स्पॉट्स आना, नीले काले धब्बे आना, महिलाओं में पीरियड्स में ज़्यादा ब्लीडिंग होना और किसी में इंटरनल ब्लीडिंग होने का भी चांस रहता है। इन पेशेंट्स को ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है और इसमें हम इम्यूनोसप्रेशन वाली दवाइयाँ दे के इनका प्लेटलेट 30 हज़ार के ऊपर रखने की कोशिश करते हैं। प्लेटलेट कम होने के अगले कारण है बोन मैरो की बीमारियाँ, जैसे कि अप्लास्टिक एनीमिया। अप्लास्टिक एनीमिया में बोन मैरो जो प्रोड्यूस करती है बोन मैरो से, वो सब सेल्स कम हो जाती है, उसके वजह से बोन सभी सेल्स का प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो ये इसमें हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें हमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट या फिर ATG जैसी दवाइयों का उपयोग करना पड़ता है। दूसरी बोन मैरो की बीमारी है माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम, जिसे हम MDS कहते हैं। इसमें सेल्स का प्रोडक्शन होता है लेकिन प्रोडक्शन डिफेक्टिव रहता है, उसकी वजह से वो सेल्स अपना काम नहीं कर पाती है और जल्दी ही उनकी संख्या कम हो जाती है। अगला प्लेटलेट कम होने का कारण रहता है ब्लड कैंसर्स, जैसे कि एक्यूट ल्यूकेमिया, क्रोनिक ल्यूकेमिया, मल्टीपल माइलोमा। और जब हमें लिम्फ नोड की मैलिग्नेंसी, लिम्फोमा होता है, तो उसमें भी प्लेटलेट कम हो सकते हैं जब
लिम्फोमा बोन मैरो इन्वॉल्वमेंट कर देने के बाद प्लेटलेट कम हो जाते हैं। आज हमने जाना प्लेटलेट क्या रहते हैं, लो प्लेटलेट के कारण क्या रहते हैं, उसके लक्षण क्या रहते हैं और उसके बारे में ट्रीटमेंट क्या रहती है। जब भी आपको आपके स्किन के ऊपर रेड स्पॉट्स आ रहे हैं, काले नीले धब्बे ज़्यादा हो रहे हैं और खून का बहाव रुक नहीं रहा है तो आप अपने हीमेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करिए। इस टॉपिक के बारे में कुछ भी क्वेरी रहेगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। धन्यवाद।